जिला के गुमला और सुसई के सीमावर्ती क्षेत्र में आज मंगलवार को लगातार कई जगहों पर अवैध बालू जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सूचना के अनुसार दिन के 12 बजे तक अवैध बालू के साथ पुलिस ने 2 ट्रैक्टर के अलावा कई अन्य वाहनों को भी जब्त किया है। सिला फारी के समीप अवैध बालू के स्टॉक के ऊपर SDM रवि आनंद, खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, SDPO मनीष चंद्रलाल, जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुआ समेत कई अन्य पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों के द्वारा अवैध बालू का तैयार पहाड़ को जब्त किया है। अवैध स्टॉक करने वाले इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद सशस्त्र बलों की तैनाती में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए बालू को जब्त किया गया। इसे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पूरे गुमला जिला में अवैध बालू का धंधा बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है, जहां रात के अंधेरे में रोज सैकड़ों ट्रक चोरी छिपे यहां का नदियों का बालू चोरी करके ऊंचे दामों पर बाहर बेच रहे हैं। जी, जैसा कि आपको पता है कि 1 से 15 तक विशेष अभियान चलाकर जो अवैध खनन हो रहा था जिले में, उसके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश जो है हमारे मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है। उसी के आलोक में उपायुक्त के निर्देशानुसार हम लोगों ने कल 1 तारीख को जो गुमला प्रखंड के लांजी मौजा में जो अवैध बालू को भंडारण किया गया था, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। वहाँ से अवैध जो बालू डंप किए गए थे, उसमें हम लोगों ने करीब 50 हैवा के आसपास गाड़ियों को जो है बालू को जब्त कर लिया है। और संबंधित जो दोषी व्यक्ति हैं उस पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आज भी सुबह से ही हम लोग अवैध खनन के पीछे जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आज 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं बालू की, और साथ ही साथ जो एक ढाबा है उसके पीछे बहुत बड़ा बालू का भंडारण था, हम लोग वहाँ से जो है अवैध बालू जो डंप किया गया उसको उठा रहे हैं और उस भंडारण को भी जब्त करके सुरक्षित रखेंगे और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई FIR की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।